अरे बेटा बन जाने से पहले अपनी सूरत दिखाना शेर हैं, खा जाएंगे भालू वाले उस तुमको। तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं बेटा लौट जाओ। क्यों लौट जाएं? कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान पिता को खोजने जा रहे हैं। भगवान को? हाँ। तुम्हारे भगवान नहीं मिलेंगे बेटा तुम्हें। क्यों? ये बताओ तुम्हारा गुरु है कोई? ना। तो गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते? बाबा हाँ, ऐसा करो जैसे तुम ही गुरु बन जाते हो। हम गुरु बन जाए? हाँ। एक तो रास्ता बताओ हुँ? और फिर तुम्हारे हम पैर पकड़ लिए। ध्रुव ने नारद बाबा के ध्रुव ने विचार किया जब बन में हम गुरु कौन ढूंढेंगे। नारद बाबा के पैर पकड़ लिए, कहा मुझे अपना शिष्य बना लो। और तभी नारद बाबा ने द्वादश मंत्र दिया गुरु मंत्र में, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा इस द्वादश मंत्र का जाप करना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। आज ध्रुव भगवान की भक्ति के लिए काली देह के तट पर पहुंचा है वृंदावन के पास। ध्रुव ने तपस्या की तो काली देह के तट पर अपना आसन लगा लिया, और आसन लगा करके भगवान की तप में लग जाता है। पहले महीना में तप किया, फल खा करके नहीं आए भगवान। दूसरे महीना में फल छोड़ दिए, पत्ते खा करके तप किया, नहीं आए भगवान। तीसरे महीना में पत्ता छोड़ दिए, पानी पी करके नहीं आए भगवान। चौथे महीना में पानी छोड़ दिया, सिर्फ हवा खा करके, फिर भी नहीं आए भगवान। पांचवे महीना में हवा भी सिर्फ सांस के द्वारा, नहीं आए भगवान। छठवें महीना में ध्रुव ने क्या किया, एक अंगूठे के बल से खड़ा हो गया, अपनी श्वासा को रोक लिया और चतुर्भुज रूपी प्रतिमा भगवान की उसने अपने हृदय में बसा ली, लीन हो गया। भगवान ने विचार किया मेरा भक्त मेरी भक्ति में लगा है, अब तो मुझे ये देखना होगा, परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा लेनी होगी भक्त की, छोटा हो या बड़ा इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो परीक्षा लेनी है। धर्म की परीक्षा के लिए भगवान ने महामाया को बुलाया और कहा महामाया जाओ, मेरे भक्त का ध्यान मेरी भक्ति से हटा दो। आ गई महामाया, नाच रंग गाना गीत ढोल
और बाजे बजा रही हैं ध्रुव के पास, ऐसे ऐसे गीत गा रही हैं जिससे ध्रुव का ध्यान हट जाए, लेकिन वो ध्रुव के ध्यान को नहीं हटा पाई माया। माया परेशान हो गई, क्रोध में आ गई, क्रोध में एक छोटे से बालक के ध्यान को नहीं हटा पाई। क्रोध में माया सुनीति के रूप में आ गई और चिल्लाने लगी, बेटा कहाँ हो, तेरी माँ तुझे बुला रही है। और वो बेटा बेटा कहकर के माँ माया चिल्ला रही है। सुनीति के रूप में जब माया चिल्ला रही है तो ध्रुव ने विचार किया, मेरी माँ है ये, तो आवाज हमारी माँ की है, ये हमारी माँ। लेकिन नारद बाबा की बात याद आ गई, नहीं नहीं मेरी माँ नहीं हो सकती, यहाँ मेरी माँ आ ही नहीं सकती। और ध्रुव ने फिर से ध्यान भगवान की भक्ति में लगा दिया। बोलो गोविंद भगवान को। महामाया को लौटना पड़ा, महामाया को वापस लौटना पड़ा और भगवान को आना पड़ा। आ गए भगवान, चिल्ला रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। विचार किया इसके ध्यान को कैसे हटाएं, तो ध्रुव के हृदय में जो चतुर्भुज प्रतिमा बसी थी उसी प्रतिमा को भगवान ने खींच लिया, और जब प्रतिमा को खींचा तो ध्रुव के आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो गया। चिल्लाने लगा, पिताजी। जब भगवान ने गोद में ले लिया, बेटा मैं तो कब से यहाँ खड़ा हूँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, मेरी माँ रो रही होगी, मेरी माँ याद करती होगी। आज ध्रुव को ऐरावत पर बिठा करके भगवान चल दिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राज सबसे पहले ध्रुव का मिलन किससे हुआ, राजा उत्तानपाद से। सबसे पहले ध्रुव पिता से मिले हैं, उसके बाद अवधवासियों से। भगवान कहने लगे, चलो बेटा तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। ध्रुव कहने लगे, भगवान मैया से तो बाद में मिलेंगे, पहले मौसी से मिलना होगा। अब ध्रुव अपनी मौसी रानी सुरिच के पास में पहुंचे और पैर छूने को हाथ बढ़ाए तो हटके दूर खड़ी हो गई। कहने लगी, चले जाओ बेटा यहाँ से, भाग जाओ बेटा यहाँ से, अरे मुझ जैसी पापनी के पैर छू रहे हो तो, अरे हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और क्या बोली है कि मेरे बेटा मुझे माफ कर दो, और मुख दिखाने की काबिल नहीं। We'll be right back.
मैया रो रही है बैठी, धर्म को लेकर के भगवान जब पहुंचे हैं अपनी मैया के सामने, धर्म खड़े हो गए, बोले मां हम आ गए। मैया तुम्हारा लाल तुम्हारे सामने आकर के खड़ा है, मां लगा ले गले से, लगा लो गले से मां। मां कैसे गले से लगाती, बेटा की याद में रो रो करके मैया समिति की आंखों की रोशनी जा चुकी है, अंधी हो गई। कहने लगी लाल कहां हो तुम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो लाल मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम कहां हो। मां क्या कह रही हो तुम, बोलो मां क्या कह रही हो तुम। बेटा और क्या कहा मेरी लाल, मैया सुनीति ने अपने बेटा से कहा, बेटा बहने लगी और भगवान ने जैसे ध्रुव की आंखों में आंसू दे दिए। भक्त की आंखों में आंसू भगवान नहीं देख सकते। भक्त का यदि एक आंसू गिरता है तो भगवान के हजारों आंसू गिर जाते हैं। कहा मेरे लाल क्यों रो रहे हो, मत रो, क्या बात है बोलो। कहा धर्म ने भगवान से सर्वप्रथम किया है,
रोई है मेरी माँ मेरी याद में कि आंखों की रोशनी चली गई मेरी माँ की। भगवत प्रेमी कहा ध्रुव ने भगवान से अंधी हो करेंगे बैठी है भगवान के दर्शन दिए भक्तों। आज भगवान ने दर्शन दिए तो उत्तान पाद और सुरीचि क्या बोले, बेटा तुम्हारे भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें भी दर्शन करवा दो। तो ध्रुव ने भगवान से कहा मेरी मौसी को मेरे पिता को दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी और तुम्हारे पिता को दर्शन हमारे दुर्लभ है, कभी नहीं होंगे। बेटा तेरी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, तू हमसे वरदान मांग ले, बोल बेटा क्या चाहता है। तो ध्रुव ने वरदान में क्या मांगा था भगवान से, भगवान से वरदान में मांगा ध्रुव ने कहा यदि वरदान ही देना चाहते हो तो वरदान दो। और क्या कहा, मेरी मौसी को दर्शन दर्शन दे दो। भक्त के बस में तो भगवान वैसे भी है, भक्त के बस में होकर के भगवान ने उत्तान पाद सुरीचि को भी दर्शन दिए। बोलो गोविंद भगवान की।